जय सोमनाथ, जय द्वारकाधीश। मैं रामभाई रबारी कविराज गिर सोमनाथ से मैं आज आपको यही बताने आया हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है, वो हिंदुस्तान की भूमि में प्रथम ज्योतिर्लिंग है। आज आप देख रहे हो सोमनाथ, आज की जो विजिट की सर जी कर रहे हैं वो सोमनाथ की है। सोमनाथ पूरा धीरे धीरे अब सोमनाथ पूरा का पूरा गोल्ड में बदल रहा है, मतलब कि सोने का सोमनाथ। और हमारे जैसे कई कवियों ने पूरा गुजराती में लिखा हुआ एक कविता भी है कि सोनानु सोमनाथ। तो सोनानु सोमनाथ मतलब वो पूरी कविता है, वो धीरे धीरे उसमें सॉन्ग भी बनने वाले हैं, थोड़े टाइम के बाद वो पूरा सॉन्ग रिलीज होने वाला है सोनानु सोमनाथ। आपणे आजे सौ वात करीए छीए सोमनाथनी अंदर अने आ पावन भूमि पवित्र भूमि ऊपर आपणे सौ ऊभा छीए साहेब, एटले आ सोमनाथमां आप कभी आओ, हमारे मेहमान बनो। तो पूरे गीर सोमनाथ के अंदर कितने सारे ऐसे स्थल है जो देखने के लायक है। प्योर तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गिर का आवरण। गिर में आते ही आप लोगों को एक अलग ही हवाएं महसूस होगी। तो ये पूरी गिर भूमि है, पावनकारी सोमनाथ भूमि है। सोमनाथ भूमि में हम आगे देखेंगे वो भालका तीर्थ। भालका तीर्थ है हमारे कृष्ण जी के चरण पादुका और कृष्ण का देह उत्सव, मतलब कि कृष्ण भगवान यहाँ लास्ट में आए थे। पूरे गोकुल मथुरा घूमते घूमते फिर कृष्ण भगवान का जो मरण स्थल है, हम लोग बोलते हैं, वैसे मरण तो नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान का जो राज्य है वो छोटी सी भूमि है भालका तीर्थ में। यहाँ पे भालका तीर्थ है। भिड़िया में जो हम लोग देखेंगे उसके ही पास में भीड़भंजन गणपति महाराज का एक तीर्थ है, गणपति जी का मंदिर है, बहुत बढ़िया है। और बॉम्बे से वो मूर्ति लाई गई और बिल्कुल पूरा सत्य है, मतलब हम लोग बोलते हैं गणपति जी महाराज की जय। धीरे धीरे हम आते हैं सोमनाथ के पास। सोमनाथ में विशाल समुद्र मंथन है, हम लोग देखते हैं धीरे धीरे। आज की सदी है 21वीं सदी, तो पूरे हम लोग जानते हैं 21वीं सदी मतलब टेक्नोलॉजी का भरपूर युग। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी में हम सब साथ में संवाद कर रहे हैं, आमने सामने देख रहे हैं। पहले के ज़माने में ऋषि योग विद्या से अरस परस मगज माइंड से अरस परस जुड़ जाते थे। आज की तारीख में हम लोग टेक्नोलॉजी के युग से अरस परस पहचानते हैं, एक दूसरे आदमी को हम लोग जानने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा क्षेत्र, प्रभा क्षेत्र धीरे धीरे सोने का बनने वाला है। सोमनाथ में आप लोग देखेंगे कि ऊपर जो ध्वजा है वो भी सुवर्ण माला से बनाई हुई ध्वजा है, शिखर है भगवान भोलेनाथ महादेव का। और उसमें धीरे धीरे अब कलश भी पूरा का पूरा जो सोमनाथ का घूंघट है धीरे धीरे सोना क्या होने वाला है। दाताएं मिलते रहते हैं भगवान के सानिध्य में, उसके चरण पादुका में सोने के कलश मतलब वहीं पे पग पाँव में डाल देते हैं। बोलिए हर हर महादेव, शिव शिव शंभु। सोमनाथ से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो यही के पास ये नदी आप लोग देख रहे हैं, पूरा क्षेत्र ये हिरण नदी है। यहाँ का तीन नदियाँ एक साथ संगम होता है, उसे बोलते हैं त्रिवेणी घाट। भगवान त्रिवेणी घाट में हम लोग ऐसे गुजराती में बोलते हैं, जहाँ हरिद्वार हम लोग बहुत बढ़िया, उसका जितना भी मान सम्मान है उससे भी ज़्यादा त्रिवेणी घाट का मान है। गुजराती में एक कहावत है, आपने काशी नहीं देखा तो कुछ नहीं, लेकिन त्रिवेणी घाट तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तलभार बड़ी नदी है, तलभार ऊपर चलने वाली नदी है, इसीलिए उसका नाम पड़ा त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी नदी। यही से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सासण गिर मतलब फॉरेस्ट का पूरा जंगल, जैसे कि मालधारी समाज, रबारी समाज, देवासी समाजों को राजस्थान में शायद बोलते होंगे, तो वो समुदाय पूरे वहीं पे गिर में रहते हैं। और साथ में सिंहों से भी इतना प्यार लगा होता है, अगर कोई आदमी सिंह उसके पीछे भी पड़ गया हो तो अगर वे समाज उसके आसपास होते हैं तो वो सिंहों को भी वापस चलना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ का पहचान वाला होता है, वो गिर भूमि का आवरण और परावरण वाला ऐसा आदमी होता है। तो पूरा दिन सिंहों के साथ मस्ती में रहता हुआ मारो एकलो रबारी, मारो एकलो देवासी और मारो एकलो मालधारी, जो गीता बेन रबारी ने गीत गाया हुआ है पूरे राजस्थान में, पर राजस्थान स्टेट में भी ये बहुत प्रख्यात है। वहीं से गिर में से हम आगे बढ़ेंगे तो द्वारका नगरी आएगी, हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग, भारतवर्ष में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का, जो धीरे धीरे स्वर्ण बनने वाला है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर धाम, जो भी भगवान भोलेनाथ महादेव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है उसका भी दर्शन करना एक पवित्रता मानी जाती है। और द्वारकाधीश हमारे नगरों के ठीक है, लेकिन हमारे मनों में वसे ऐसे राजा महाराजा बोलते हैं हम लोग, कि वहाँ रणछोड़ राय जी साक्षात दर्शन देने वाले, और वहाँ से बड़ा का बड़ा उत्सव द्वारकाधीश का होता है।
जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान साक्षात कोई बच्चे के रूप में आते हैं, कोई साक्षात मूर्ति के रूप में, कोई देवी देवताओं के रूप में, कोई इंसान के रूप में आते हैं। तो हमारे द्वारकाधीश का भी इतना ही बढ़िया, पास में ही समुद्र नगरी है और द्वारकाधीश और सुदामा हम लोग जानते हैं। एक गरीब सुदामा की बात आपने सुनी होगी, लेकिन एक महासेठ महानगर सेठ का वो द्वारकाधीश ही हो सकते हैं साहिब। तो आप कभी हमारे गिर में आओ घूमने, तो प्रथम तो हमारा गिर हमारा स्टार्ट करेंगे सोमनाथ से, वहीं से सासण, वहीं से द्वारका। इतने सारे प्रभावशाली क्षेत्र है यहाँ पे, इतने सारे प्रभावशाली, इतने जो स्थल है प्रकृति रमणीय वातावरण में, कि कभी भी आओ तो ये तीन स्थल आप देख के ही जाएंगे, क्योंकि ये खुशबू है हमारे गिर की, हमारे गिर सोमनाथ की। धन्यवाद। जय सोमनाथ। जय द्वारकाधीश।